Good morning, students. I am Satnam, and I welcome you all in the YouTube channel of Mata Mohandai Oswal Public School. In this video, we will discuss about the regions of root. Actually, हमने जो angiospermic plant का जो basic था वो हमने already कर लिया था. So right now, we will study about the various regions of root. ठीक है, फॉर दैट ये देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ किया है रीजन्स ऑफ रूट के लिए. जस्ट लुक एट दिस, ऐसी होती है रूट. हियर दिस इज द टर्मिनल पार्ट. ओके, हियर इज द टर्मिनल पार्ट. राइट नाउ हमने रीजन्स ऑफ रूट की बात करनी है कि इसके अलग अलग पोर्शंस क्या हैं, अलग अलग. तो इसमें सबसे पहले हमने बात करनी इसके टर्मिनल पार्ट की. कौन से पार्ट की? इसके टर्मिनल पार्ट की. टर्मिनल पार्ट यानी कि इसका ये वाला टिप वाला पार्ट. ठीक है, आपको पता जो इसका ये वाला टर्मिनल पार्ट है, इट हैज टू पेनिट्रेट थ्रू द हार्ड सॉइल. इसको जाना पड़ेगा हार्ड सॉइल के थ्रू. तो जो इसका सेल्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स हैं ऑफ दिस, इट शुड बी कवर्ड और प्रोटेक्टेड. बिकॉज इसने पेनिट्रेट करना है तो सेल शुड बी कवर्ड और प्रोटेक्टेड. सो टू प्रोटेक्ट द टिप पार्ट, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ लेयर ऑफ फ्यू सेल्स. यहाँ पे क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लेयर होती है कुछ सेल्स की. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो लेयर होती है फ्यू सेल्स की, उन्होंने क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है. टिप वाले पार्ट को उसने क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है. और ये वाला पार्ट है वो ऐसे होता है जो हमने बात किया ना, ये दिस इज लाइक दिस. इसको हम बोलते हैं रूट कैप, विच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द दिस पार्ट. ठीक है, अब इसने इसको प्रोटेक्ट करना है. ये क्या होता है, कैप लाइक और थिम्बल लाइक. इसको हम क्या बोलते हैं, कैप लाइक और थिम्बल लाइक. इसको हम बोलते हैं अब रूट कैप. आई एम गोइंग टू राइट हियर रूट कैप. और इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं, सी ए एल वाई पी टी आर ए. दिस इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा ऑल्सो. अब ये तो इसकी अनदर एक टेक्निकल टर्म थी हमने जो रूट कैप के लिए दी है. आपको पता है, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कि जो रूट कैप है, हमने ऑलरेडी कहा है कि रूट टिप है, इसको कहाँ जाना है, पेनिट्रेट करना है थ्रू द हार्ड सॉइल. अब देखो जब ये पेनिट्रेट करेगी, जस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन, इसने फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे. जो यहाँ पे सेल्स है ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से इसने डैमेज होना है. तो यहाँ पे फिर क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू सेल्स ने क्या, यहाँ पे डैमेज भी होना, तो नए सेल्स भी बनेंगे. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनसाइड. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनसाइड. अब हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पे नए सेल बन रहे हैं, तो नए सेल बनेंगे किसकी वजह से, तो नए सेल्स बनेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स. आपको पता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, सेल डिविजन करवाते हैं. क्या करवाते हैं, सेल डिविजन करवाते हैं. तो यहाँ से डैमेज होएगा, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने क्या करें, न्यू सेल्स की क्या करवानी है, फॉर्मेशन करवानी है. ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कहां से करवाएगा, फ्रॉम इनसाइड. कहां से करवाएगा, फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, सो यहां पे क्या होता है, देयर वुड बी मेरिस्टेम. ओके, सो हमने जो इसका यहां पे नाम देना है अब उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जोन. यहां पे डिवीजन होती है ना, तो हम इसको बोलेंगे जोन ऑफ डिवीजन, या वी कैन से जोन ऑफ रूट कैप, और कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन. इसको क्या बोलेंगे, जोन ऑफ डिवीजन. ठीक है, या इसको बोलते हैं हम जोन ऑफ रूट कैप. ओके, इसको जोन ऑफ रूट कैप भी बोलते हैं, जोन ऑफ डिवीजन भी बोलते हैं, और इसको मेरिस्टेमेटिक जोन भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से. अब देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने यहाँ पे क्या बना दिए, सेल्स तो बना दिए, तो ऑब्वियसली उन सेल्स की भी तो ग्रोथ होनी है. जब उसने सेल्स बना दिए फ्रॉम इनसाइड, तो क्या होएगा, अब इसने क्या करना है, व्हाट हैपन टू द न्यूली फॉर्म्ड सेल. यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने क्या बना दिए, न्यूली फॉर्म्ड सेल बना दिए, बट व्हाट हैपन टू दैट सेल्स. देखो ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है, ये है न्यूली फॉर्म्ड सेल, लाइक दिस, दीज आर द न्यूली फॉर्म्ड सेल. ओके, ये न्यूली फॉर्म्ड सेल हो गए. दीज न्यूली फॉर्म्ड सेल वुड ग्रो इन देयर साइज, सो दे बिकम. अब इन्होंने क्या करना, थोड़ा सा, ये देखो पहले ये है, यहां पे इनकी क्या हो जाना, थोड़ा सा ग्रोथ हो जाने, ग्रो इन देयर साइज, एंड फाइनली इन्होंने क्या करना, दे बिकम लिटिल इलोंगेटेड. यहां पे थोड़ा सा ये क्या हो गया, अब इलोंगेटेड हो गए. ठीक है, सो वी विल
कॉल दिस जोन, अब हम इसको क्या बोलेंगे, पहले यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट तो हमने बोल दिया था, मेरिस्टेमेटिक जोन, द जोन ऑफ डिवीजन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, बट राइट नाउ यहाँ पे इलोंगेशन हो रही है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन, क्या बोलेंगे, जोन, इसको अब हमने क्या बोलना है, जोन ऑफ इलोंगेशन, क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन. अब ये हो गई यहाँ पे जोन ऑफ इलोंगेशन. अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हो रहा है आगे जाके, जस्ट लिसन. हमने ये दो पोर्शन तो दिखा दिए, एक तो एक में था डिवीजन हो रही, दूसरा जो सेल्स बन रहे हैं उनकी फिर क्या हुई, ग्रोथ हुई, इलोंगेशन हुई इनमें, उनको हमने जोन ऑफ इलोंगेशन बोल दिया. अब यहाँ पे क्या है, हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करनी है कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है, ये देखो ये हमने साइड पे दिखा दिया, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दे डू नॉट हैव वैक्यूम. अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में ऐसा होता है, हियर इज अ न्यूक्लियस एंड हियर इज अ वैक्यूल ऑल्सो, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का, बट मेरिस्टेमेटिक सेल्स में तो ऐसा होगा नहीं. तो फिर क्या होना है, नाउ इसने स्लोली स्लोली क्या करना है, ये तो ऐसे ही है, इसने प्लांट सेल में क्या होगा, स्लोली स्लोली ये जो वैक्यूल है इसने क्या करना है, द टाइनी वैक्यूल बिकम बिगर, इसने क्या करना है, द टाइनी वैक्यूल बिकम बिगर, एंड व्हेन दिस वैक्यूल बिकम बिगर, डेफिनेटली द सेल है, ऑब्वियस है, इस वैक्यूल ने अब क्या होना, बड़ा होना है, तो सेल है तो उसने क्या करना है, सेल क्या करेगा, सेल ऑल्सो गोइंग टू गेट लॉन्गर, यही होगा ना, द सेल ऑल्सो गोइंग टू गेट longer, so the cell becomes long and जो nucleus है वो get shifted to one side. अब देखो यहाँ पे जो हमने बोल दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका cell क्या हो जाएगा, ऐसे long हो गया, जो nucleus है shift हो जाएगा इस side पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका vacuole वो बड़ा हो गया, हमने यही बोला ना, vacuole यहाँ पे बड़ा हो गया, न्यूक्लियस एक साइड पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये हमने दिखा दिया साइड पे कि प्लांट सेल में ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब देखो जब तो सारे सेल्स हैं, अब ये जो सारे सेल्स हैं इन्होंने क्या कर लिया, अपनी एक क्या कर ली, ऑल्टर कर ली, एक नॉर्मल साइज में आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये जो सारे सेल्स हैं अब इन्होंने क्या किया, ऑल्टर देयर नॉर्मल साइज एंड दे विल गेट स्पेशलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है, कि इन्होंने स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना है, अलग अलग फंक्शन है जो ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है. अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एपिडर्मल सेल्स हैं, सम सेल्स बिकम एपिडर्मल सेल्स एंड सम सेल्स फॉर्म, कुछ कॉर्टेक्स बनाएंगे और सम सेल्स फॉर्म जाइलम एंड फ्लोएम. इट मीन्स के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. सो अब देखो जो सबसे लास्ट में, ये जो इलोंगेटेड सेल्स इसके लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स, क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये होते हैं इलोंगेटेड सेल. अब इसके अंदर जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी रूट की, इनर मोस्ट लेयर में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा लाइक दिस ये मैंने बना दिया, यहाँ पे ये होते हैं पेरेंकाइमेटिक सेल, ये होते हैं एपिडर्मल, ये होते हैं हमारे पेरेंकाइमेटिस, जिनको हम बोलते हैं लिविंग सेल, क्या बोलते हैं, लिविंग सेल्स. और उसके बाद जो है हमारा इनर पोर्शन है, मैंने यहाँ पे ऐसे करके दिखा दी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है सेंटर पार्ट में. और इसमें क्या होता है, अब देखो इस रीजन में क्या हो रही है, मैच्योरेशन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना, यानी कि मैच्योरेशन हो रही है. तो जब मैच्योरेशन होगी तो यहाँ पे क्या है, मैच्योरेशन ऑफ सेल्स टेक प्लेस, और यू कैन से इसको हम डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो एपिडर्मिस हमने दिखाई है, एपिडर्मल सेल पे क्या होते हैं, कई बार यहाँ पे क्या होती है, प्रोड्यूस समटाइम इट शो सर्टेन काइंड ऑफ आउटग्रोथ, ऐसे ऐसे ये आउटग्रोथ शो करेगी, ये जो आउटग्रोथ शो करे ना ये वाली, इसको हम बोलते हैं रूट हेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर. ये जो रूट हेयर है इनका काम होता है एब्जॉर्ब करना वाटर को, किस चीज को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है. इन्होंने क्या एब्जॉर्ब करना है, वाटर को एब्जॉर्ब करना है, यानी कि हम जो ये वाला रीजन है ना हमारा, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाले रीजन को हमने बोलना है जोन ऑफ रूट हेयर, जोन ऑफ ये वाला रूट हेयर बोलते हैं हम, या बोल सकते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन, क्या बोलेंगे, जोन ऑफ मैच्योरेशन. तो ये जो हमने बात की जोन ऑफ मैच्योरेशन हो गया, ठीक है. तो ये वाले थे हमारे सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या, रीजन्स ऑफ रूट, जो हमें पहले पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमने पढ़ना ना रूट्स के बारे में, उससे पहले रूट्स के हमें पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है. तो ये जो अलग अलग है, पहले वाला कौन सा था, जोन ऑफ डिवीजन, देन जोन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद क्या है, जोन ऑफ मैच्योरेशन.
जो ये अलग अलग फंक्शंस को क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आउटर है ये है एपिडर्मल सेल्स, अंदर इनर साइड क्या है इसके, इनर साइड दीज आर कॉल्ड पेरेन्काइमेटिस, और यहाँ पे इन सेंटर में क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ पे एक आउटग्रोथ है, कहाँ से निकल रही है, एपिडर्मल सेल से, जिसको हम रूट हेयर बोलते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करते हैं. सो दिस दीज और ऑल अबाउट द, किसके बारे में था, रीजन्स ऑफ रूट. थैंक यू ऑल.